अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। इसको हम टू स्टेप में बनाएंगे। पहले स्टेप में जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। टू फ्राइड अनियंस, बेसन 4 टेबलस्पून, गार्लिक जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, साल्ट 1 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, ब्रेड 2 स्लाइस और बीफ का कीमा लिया 1 किलो। अब फर्स्ट स्टेप के लिए मैं इन चीजों को ग्राइंड कर लेती हूँ। एक चॉपर में डालते हैं। चॉपर अगर आपका छोटा है तो इसमें हाफ हाफ करके चीजें डालेंगे। किमी को बिल्कुल इसी तरीके से रेडी करना है। मैंने रेड चिली डाली है, अगर आप चाहते हैं तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं और मिर्च भी साथ शामिल कर सकते हैं। अब कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए आप एक प्लेट में थोड़ा सा पानी ले लें, जो हाथों पे लगा के फिर गोल गोल छोटे छोटे कोफ्ते बनाते जाएं। पानी से हाथ में चिपकेंगे नहीं। कोफ्ते सारे मैंने बना लिए हैं। अब इसका सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीजें मुझे चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। 1 अनियन, 2 टोमेटोज, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 4 टेबलस्पून योगर्ट, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून साल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए मैं एक पैन में ऑलिव ऑयल ले लेती हूँ। ये मैंने आधा कप लिया है। अब इसमें मैंने अनियन डालने हैं। अनियन को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अनियन जब ब्राउन हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। 2-3 मिनट पकाना है इनको। ये 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। बस 2 मिनट पकाना है इसको। अब टमाटो पेस्ट डालना है। मैंने 2 टमाटरों को कर लिया था, ग्राइंड कर लिया है। अब सारे मसाले डालने हैं। प्याज और टमाटर अगर आपके ग्राइंड होंगे तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। योगर्ट 4 टेबलस्पून है। मसाला रेडी हो गया है। अब 1 बाय 1 इसमें डाल दें। कोफ्तों को बहुत केयरफुली ऐड करेंगे क्योंकि ये टूट ना जाए, कच्चे होते हैं तो टूटने का खर्चा होता है। और चम्मच को भी आस्ता आस्ता हिलाना है। 2-3 मिनट सिर्फ मसाले में रखना है।
इसके बाद पानी शामिल करना है ऊपर से। तीन से चार कप पानी भी डाल सकते हैं आप। अब 10-15 मिनट के लिए पका लें। कोफ्ते हमारे कुक हो गए हैं, ये देखिए कोफ्ते रेडी हैं। अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। यकीनन आपको पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।